अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, शोर को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी वॉइस को बिना किसी माइक के इतना क्लियर बना सकते हैं। डियर व्यूवर्स, डिजिटल माइक जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो हर किसी की पहुँच में नहीं होते और ना ही कोई हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस तरह बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, शोर को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हम आ चुके हुए हैं बाहर। आपको मेरे बैकग्राउंड पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो शोर सुनाई दे रहा होगा, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें, 1, 2 एंड 3। तो डियर व्यूअर्स, मैंने सेटिंग ऑन कर दी है। उम्मीद है कि अब आपको बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो नहीं आ रहे होगी, बैकग्राउंड वाइज का जो शोर है वो नहीं आ रहा होगा। अब हम चलते हैं मेन रोड पर और वहां पर देखेंगे कि हमें बैकग्राउंड वाइज आता है कि नहीं। व्यूअर्स, हम आ चुके हुए हैं मेन रोड पर और आप देख सकते हैं कि बैक पर जो है वो बाइक्स जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, तो इन सब का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सेटिंग आप ऑन कर देंगे तो आपकी वीडियो से जो वॉइस है वो रिमूव हो जाएगी, बैकग्राउंड से नॉइज जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ये देखें, 1, 2 एंड 3। तो डियर व्यूअर्स, मैंने एक सेटिंग को ऑन कर दिया है और अब उम्मीद करता हूं कि बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो मेरा नाम है शहबाज रशीद, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चले बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले आ जाना है कैपकट पर, कैपकट को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो से आप अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना चाहते हैं और साउंड को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। वीडियो को चूज़ करने के बाद डियर व्यूअर्स, अब मैं इस वीडियो का आपको साउंड सुनवाता हूँ कि इसमें कितना शोर है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है बैकग्राउंड पर नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है। तो हम इसको जस्ट वन क्लिक पर इस नॉइज़ को, इस साउंड को रिमूव करेंगे। तो आपको यहाँ पर कैपकट के बहुत से फीचर जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। आपने इसको करना है थोड़ा सा स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है एसोलेट वाइज, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको टू ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये पहली ऑप्शन जो है रिमूव वोकल, और डियर व्यूअर्स, अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपकी वॉइस जो है वो रिमूव हो जाएगी और बैकग्राउंड की वॉइस जो है वो सिर्फ रहेगी। अगर आप चूज़ कर लेते हैं कीप वोकल, तो यहाँ से बैकग्राउंड जो वॉइस है वो रिमूव हो जाएगी और जो आपके अपनी वॉइस है वही सिर्फ रहेगी। तो यहाँ से आप चूज़ कर लें इसको, कीप वोकल को आप इसके ऊपर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपसे थोड़ा सा टाइम मांगेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैशन रखना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा और कुछ ही देर में ये आपको वीडियो से नॉइज जो है वो रिमूव करके दे देगा, शोर ख़त्म करके दे देगा। तो डियर व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो से नॉइज जो है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुकी हुई है, इसमें आने वाला शोर जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी वीडियो से बैकग्राउंड वॉइस को रिमूव कर सकते हैं, शोर को खत्म कर सकते हैं और अपनी वॉइस को बिना किसी माइक के इतना क्लियर बना सकते हैं। बैक पर जो है वो बाइक्स जा रही है, गाड़ियां जा रही है, तो इन सब का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सेटिंग आप ऑन कर देंगे तो आपकी वीडियो से जो वॉइस है वो रिमूव हो जाएगी, बैकग्राउंड से नॉइस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह डियर व्यूअर्स, आप अपने वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, शोर को खत्म कर सकते हैं और बगैर माइक के अपनी साउंड को क्लियर कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।